वैकेंसी हाल ही में रिलीज हुई है और बच्चे उसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इस वैकेंसी की लास्ट डेट 20 जुलाई रहेगी, एग्जाम जो है वो 30 अगस्त को रहेगा। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए सभी प्रकार की वैकेंसी है ये, और इसमें जो रिजर्वेशन के कुछ लोग हैं उनको किराया भी उनका माफ किया गया है कुछ संसाधनों के आधार पर। आइए शुरू करते हैं कौन सी टीचिंग वैकेंसी ये है। इससे पहले अगर आप सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल बाई कोरियर जाता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, 8447410108, इसके ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं पीडीएफ को। इसके अंदर आप देखिए वैकेंसी है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी भारत के अंदर जो परमाणु ऊर्जा शैक्षणिक सोसाइटी है उसकी वैकेंसी है। जिस तरीके से हमारे देश में केवीएस है, एनवीएस है, उसी तरीके के बड़े स्कूलों में आपका इसका नंबर भी आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटेल क्या है इसमें, आप लोगों को पीजीटी की वैकेंसी में पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी हिंदी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी संस्कृत है, मैथमेटिक्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री बायो है, ये सभी वैकेंसी आपको इसकी मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको टीजीटी की वैकेंसी भी नजर आ रही है, लाइब्रेरियन की भी है, स्पेशल एजुकेटर की भी है और पीआरटी की भी है। हालांकि वैकेंसीज कुछ कम है टोटल को देखते हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर बच्चे को अपने लिए एक सीट सुरक्षित चाहिए। एक एक दो दो वैकेंसी, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 वैकेंसियां भी जहां मिलती हैं वहां पर भी लोगों का सिलेक्शन ही तो होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी का होएगा नहीं। तो इसलिए तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, अच्छा एग्जाम हो जाता तो सिलेक्शन हो जाएगा। और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है, इतने बड़े बड़े मंत्रालय है, अगर ऐसे इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्सों में किसी को अच्छी नौकरी मिलती है तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा सुविधाएं ये डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों को देते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है। आइए थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल पोस्ट रिगार्डिंग एजेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में सारी की सारी पोस्ट दी गई है। हालांकि इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो इसमें पोस्ट की बात अगर करेंगे तो पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स के लिए है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पोस्ट है। इसमें सिर्फ आपका पीजीटी होना चाहिए सब्जेक्ट में और उसके साथ बीएड होना चाहिए और हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। ये दो चीजें आप लोगों से यहाँ वो उम्मीद रखते हैं। उसके बाद अगर टीजीटी की देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डिटेल इसकी। यहाँ पर पास इन पेपर टू ऑफ सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट आपका पास होना जरूरी है, ये इन लोगों ने सिंपल सी कहा है आपसे। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, टीजीटी हिंदी और संस्कृत की है, टीजीटी मैथमेटिक्स की है, टीजीटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की है और टीजीटी एसएसटी की है, जिसमें आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन और बीएड उसके साथ आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर लाइब्रेरी की पोस्ट की बात करेंगे तो लाइब्रेरी की पोस्ट इन लोगों ने दिखी है, दे रखी है, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लाइब्रेरियन के बाद स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट इन्होंने रखी है, उसके बाद प्राइमरी टीचर के बारे में भी पोस्ट रखी है, जिसके लिए आप लोगों को स्पेशल, जो चाहे प्लस टू पास वाला हो, चाहे डीईआई एलाइड वाला हो, या फिर जो भी क्वालिफिकेशन आपकी जो नॉर्मल होती है वो आपके लिए यहाँ पर इन लोगों ने रखी है। अपर एज लिमिट की बात करेंगे तो पोस्ट कोड स्टार्टिंग में जो पोस्ट कोड रखी गई है पीजीटी वालों के लिए, उनके लिए 40 साल, उसके बाद वालों के लिए 35 साल, पीआरटी वालों के लिए 30 साल, ये अलग सा उन लोगों ने लास्ट डेट के हिसाब से ये एज क्राइटेरिया रखा है जो सेंटर सरकार के अंदर आमतौर पर होता है। इसमें अगर बात एससी एसटी की करें तो 5 साल रिजर्वेशन आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, महिलाओं को 10 साल एक्स्ट्रा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर जिसके एटॉमिक डिपार्टमेंट की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, इन सभी के अंदर महिलाओं को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अगर 30 साल मान लो है तो महिला है तो 40 साल है, 32 साल अगर किसी भी एज है महिला है तो 42 साल है, 40 साल किसी भी एज अगर है महिला है तो फिर 50 साल है। ये चीज आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसमें देखने की कोशिश आप करेंगे तो इसके लिए बार बार आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट हु आर विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया, सबसे पहले पूरे भारत में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। डिसीजन जो है आपका डिपार्टमेंट के बारे में वो एलिजिबिलिटी को फुलअप करेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है वो एससी एसटी के कैंडिडेट्स को जो है उनको दिया जाएगा। उसके साथ साथ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन एवरी रिस्पेक्ट लिमिट और सारी कंडीशन जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोगों के ऊपर लागू जो की गई है वो सारी आपको यहाँ पर देखनी है।
उसके बाद बाकी चीजें इसमें सारे का सारा आपका जो ये आप लोग जो लिंक दिख रहा है इसको आप डालेंगे गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, मतलब आप गूगल के ऊपर, तो आप लोगों को कंप्लीट रूप से फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म को आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट मैंने आपको यहाँ पर बताई है। उसके साथ साथ जो जरूरी चीजें हैं वो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको पूरी PDF, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ना बचे। बाकी इन्फॉर्मेशन में आपको डेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेंगी कि कौन सी डेट्स इसको लेकर के इन्होंने जारी की है। हाँ, पेपर का नेचर, जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन जो रहेगा वो मैंने आपको दिखा दिया। जो 12, 15, 16 PGT वाले जो पोस्ट हैं उनके लिए 100 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम दिएगा और इसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल नॉलेज है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, नंबर है, एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। जो टीचिंग लाइन का जो सिलेबस होता है आपका KVS और NVS में वही सेम है। उसके बाद जो बाकी पोस्ट है TGT वालों के लिए उनके लिए भी सेम बताया गया है। उसके साथ जो दूसरी तीसरे नंबर की पोस्ट है उनके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर इसने सिंपल PGT, TGT और PRT सब के लिए एक सिलेबस का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप KVS की NVS की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि सिलेबस आप लोगों का लगभग मैच हो रहा है। ओपनिंग जो ऑनलाइन जो फॉर्म शुरू हुए थे वो 30 जून को शुरू हो गए थे, 20 जुलाई 2017 तक 19 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आज अगर हम वीडियो को मना रहे हैं 9 तारीख को, तो इसके 11 दिन और आपके बचे हुए हैं। लास्ट डेट पेमेंट की जो है वो 20 जुलाई ही रहेगी। स्टार्टिंग डेट जो डाउनलोड एडमिट कार्ड के वो 1 अगस्त से रहेगी और 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर इन 3 डेट में रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ देखनी है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ जरूरी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा परफॉर्मा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। हर वैकेंसी से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने साथियों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएं और सिलेक्शन ले पाए।